जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फोर्स एमपीपीएससी में। सो गाइस, जैसा कि कल शाम को हमने पूरा जो शेड्यूल था वो डिस्कस किया था कि जो आपका प्री होने वाला है 19th of June को, उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो 19th June का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके लिए जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स हैं और मैंने आपको बता दिया था सारी यूनिट्स हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। मुझसे जस्ट पहले तन्वी मैम का लेक्चर था जिसमें यूनिट 2 यानी कि इंडियन हिस्ट्री, और अभी हम यूनिट 9, देन आफ्टर 3 से 4 यूनिट 1 और 4 से 5 यूनिट 3 आपकी कवर कराई जाएगी। सो ये जो शेड्यूल है आप इसको नोट कर लें, बिल्कुल भी भूले नहीं, जब भी क्लासेस हों आप सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। ओके, सो बेसिकली हम आज यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 9। सो आई जस्ट होप कि आपने यूनिट 9 का सिलेबस देखा हो, और पहला चैप्टर जो हम आज शुरू करेंगे दैट इज ई कॉमर्स। ठीक है, अब किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या कर लेना है, उसको डिवाइड कर लेना है कि आप उसको पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो पहला चैप्टर है ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स कि ई कॉमर्स होता कहाँ से, मतलब होता क्या है। देन आफ्टर बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड है, टाइप्स क्या है ई कॉमर्स के, वेज ऑफ ई कॉमर्स मतलब कि तरीके क्या है, कौन कौन से टूल्स या फिर प्लेटफॉर्म्स हैं किसके ई कॉमर्स के, और इसके अलावा कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जो है हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, दौलत जय हिंद बेटा, गुड मॉर्निंग, फटाफट से एक बार शेयर करके आ जाओ जल्दी से, फिर स्टार्ट। सो व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आप लोग अब वर्ड से ही उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि लिखा हुआ है ई। जब भी हम पढ़ते हैं ईमेल, वहां पर ईमेल में ई का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। सो ई कॉमर्स का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड कराना, सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स करना, दैट इज ई कॉमर्स। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, या फिर हम कहें कोई भी जो गुड्स हैं वो उनकी बाइंग और सेलिंग करते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। बाय द इंटरनेट कर रहे हैं हम सब कुछ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई कॉमर्स हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर हम देखें मीडियम क्या हो सकता है इंटरनेट का। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल फोन होगा, दीज आर दी मीडियम्स ना जिससे आप ई कॉमर्स की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। दैट मींस यू आर बाइंग और सेलिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग और अवेलिंग द सर्विसेज थ्रू दी मीडियम ऑफ इंटरनेट। तो मीडियम ऑफ इंटरनेट आप कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, है ना। सो वही क्या हो जाएंगे आपके मीडियम्स हो जाएंगे, कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है, ईमेल, ये सारे क्या हैं आपके मीडियम हैं किस चीज के लिए, ई कॉमर्स के लिए। आई जस्ट होप कि इतना आपको क्लियर होगा, डेफिनेशन इज कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स एंड अवेलिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विसेज इज कॉल्ड द ई कॉमर्स बट बाय द मीन ऑफ इंटरनेट। और इसका मीडियम क्या क्या होंगे, इसके मीडियम मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इंटरनेट, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा कि प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट,
हर वो चीज जो हम बात करें, मे बी फिजिकल भी हो सकती है, फिजिकल मतलब फर्नीचर, क्लोथ्स, मशीनरी, किचन आइटम, दिखा होगा ना, मतलब ये तो बताने वाली चीज भी नहीं है कि आप ऑनलाइन क्या क्या खरीद सकते हो, क्या क्या बेच सकते हो. ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. आज के टाइम में आप कुछ भी लेना चाहोगे, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा फिजिकल फॉर्म में, जो भी आइटम्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं. सो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी द फिजिकल प्रोडक्ट, फर्नीचर, किचन आइटम, मशीनरी, etc. देन आफ्टर आपका डिजिटल गुड्स क्या हो सकते हैं, तो ई बुक्स हो सकती हैं, ई मैगजीन्स हो सकती हैं, ई पेपर हो सकते हैं, वीडियो कोर्स हो सकता है, ग्राफिक्स, पेंटिंग्स, मतलब कि डिजिटल सर्विसेज ऐसी कि आप उनको फिजिकल फॉर्म में अवेल नहीं कर सकते. जैसे कि मैगजीन है, एक पेपर मैगजीन होती है, दैट इज इन द फिजिकल फॉर्म, आप उसको अवेल कर सकते हो. लेकिन जो ई मैगजीन होती है, जैसे कि मान लीजिए ये जो फाइल है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ये अगर आपको जस्ट कि आप सोचें कि इसको आपको खरीदना है, तो ये आपको किस फॉर्म में मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी. एंड दैट सॉफ्ट कॉपी यही क्या है, आपका डिजिटल गुड्स है, जिसकी आपके पास हार्ड कॉपी ना हो, फिजिकल फॉर्म ना हो, दैट इज डिजिटल गुड्स. आप डिजिटल गुड्स भी कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी फाइल, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो, फोटो, कुछ भी हो सकता है. देन आफ्टर थर्ड इज सर्विसेज. अब मुझे ये बताइए, सर्विस क्या नहीं हो सकती इंटरनेट के माध्यम से? आजकल हमें क्या सर्विस नहीं मिलती? बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज मिल जाती हैं हमें, बुकिंग करनी हो अगर टिकट्स की, वो सर्विसेज हमको मिल जाती हैं, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, सारी की सारी सर्विसेज आजकल अवेलेबल है. दैट मीन द कंसल्टेंसी. एंड सेकेंड वन इज टीचिंग. डेफिनेटली मैं आपको टीच कर रही हूँ ऑनलाइन, है ना, राइटिंग, हेल्थ एडवाइस, लीगल एडवाइस, etc. जितनी भी सर्विसेज हैं, इफ यू आर प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज बाय द मीन ऑफ इंटरनेट, तो वो भी क्या हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे किसका, ई कॉमर्स का. अगेन हम रिकॉल करेंगे एक बार, ई कॉमर्स क्या है बच्चों. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ई कॉमर्स इज अ बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडिंग और अवेलिंग ऑफ द सर्विसेज बाय द मीन ऑफ इंटरनेट. मीडियम कैन बी, मीन तो आपका इंटरनेट ही है, लैपटॉप, फोन, वेबसाइट्स, कुछ भी हो सकता है. देन आफ्टर, जिन गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर जिन सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? तो प्रोडक्ट में आपकी सारी फिजिकल फॉर्म्स आ जाएंगी, जो भी आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं ऑनलाइन, फर्नीचर, क्रॉकरी, किचन का कुछ भी सामान जो आप ऑनलाइन बेच खरीद सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट. डिजिटल गुड्स क्या होंगे? डिजिटल गुड्स में मैंने आपको बताया, ई बुक्स हो जाएगी, ई मैगजीन हो जाएगी, फोटोज, वीडियोज, ये सारे क्या हैं, आपके डिजिटल गुड्स है ना. देन आफ्टर द थिंग लास्ट इज सर्विसेज, सेवाएं. जो भी सर्विसेज आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. आई होप थिंग्स आर क्लियर. चलो अब मेजर अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट्स देखें, तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है. इंडियन हम बात करें तो आप देख सकते हैं पेटीएम अपने आप में बहुत बड़ा आजकल हो चुका है ना. पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, जबांग, मिंत्रा, ये सारे क्या हैं? दीज आर दी मीन ऑफ ई कॉमर्स, ये मेन वेबसाइट्स हैं. इन पर जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को इन मीडियम्स पर सेल भी कर सकते हैं. और आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मीडियम है खरीदने का. आप जा करके जो भी चीज़ आपको लगती है, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, है ना. सो ये क्या हो जाएंगी, आपकी मेजर वेबसाइट्स रिलेटेड टू दी ई कॉमर्स. आई होप क्लियर है सभी को. देन आफ्टर, इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस अगर आप देखें, हालांकि इसके नुकसान भी हैं, कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, वो भी हम देखेंगे कि जो छोटे शॉप ओनर हैं, जो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो ई कॉमर्स की वजह से उनका जो भी लाइवलीहुड है, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है ना. सो बेसिकली अगर देखा जाए कि जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, तो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है. 2017 में ये 38.5 बिलियन डॉलर है, और माना जा रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ये 2026 तक 200 बिलियन डॉलर्स तक ग्रो कर जाएगा. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है हमारी इकोनॉमी के लिए. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस फॉर अस. देन आफ्टर, नेक्स्ट हम देखें कि एकदम हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई आखिर ई कॉमर्स की, सबसे पहले क्या हुआ, कैसे इसको स्टार्ट किया गया, etc. तो देखते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्पा नेट 1969 में इसकी शुरुआत की गई और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। पहला हम कहें ई कॉमर्स के फील्ड में पहली बार जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है दैट इज ऑफ अर्पा नेट 1969। और कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए अर्पा नेट का दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देन आफ्टर 1979 सबसे पहली बार जो ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम है दैट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय माइकल एल्ड्रिज। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस नेम। क्या नाम है बच्चों? नाम है माइकल एल्ड्रिज। ओके, माइकल एल्ड्रिज ने क्या किया है, पहला फर्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया है। सो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग का जो मीडियम है वो किसने फाउंड किया, किसने एस्टैब्लिश किया, सो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय माइकल एल्ड्रिज। एंड जो ईयर है दैट इज 1979। कब किया है? 1979, जस्ट आफ्टर द 10 इयर्स ऑफ अर्पानेट। अर्पानेट 1969 में स्टार्ट किया, ठीक है। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देन आफ्टर माइकल एल्ड्रिज ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग को पहली बार इसका आविष्कार किया, इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, कब किया? 1979 में। दो फैक्ट्स पढ़ लिए हमने, आगे बढ़ेंगे। 1981 में क्या होता है, थॉमस हॉलीडेज यूके पहला B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू हुआ। अब B2B क्या है यहाँ पर, तो B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। अब ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप हैं ई कॉमर्स के, अभी बस आप थोड़ा सा इसको ये इफेक्ट याद रखने की कोशिश कीजिए, हालांकि मैं आपको दोबारा सारा कुछ रिकॉल कराऊंगी। सो पहला B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय थॉमस हॉलीडेज UK इन 1981। सो सबसे पहले 1981 में थॉमस हॉलीडेज ने UK का पहला B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। क्लियर है इतना? चलिए भाई, क्लियर है। नेक्स्ट इज 1984 में क्या हुआ, 1984 में पहला B2C बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर सिस्टम वॉज स्टार्टेड, ठीक है, जिसका नाम क्या था, गेट्सहेड। क्या नाम था? गेट्सहेड वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट B2C ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। गेट्सहेड पहला B2C ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम स्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर ऑफ 1984। ये चार ईयर्स मैं मान के चल रही हूँ कि आपको याद हो गए हैं। 1969 में अर्पा नेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, 1979 में माइकल एल्ड्रिज ने पहली शॉपिंग, हम कहें वेबसाइट या फिर कह लीजिए शॉपिंग सिस्टम बनाया है, किसने? माइकल एल्ड्रिज ने 1979 में। देन आफ्टर इन 1981 थॉमस हॉलीडेज बिकेम द फर्स्ट B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। एंड लास्ट इज 1984 में गेट्सहेड वॉज द फर्स्ट B2C ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, पहला B2C। अब ये B2B, B2C क्या है ये सारा मैं आपको आगे बता रही हूँ, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट आता है 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउजर का कोड लिखा, ठीक है, विच इज उसको क्या बोला जाता है, WWW बोला जाता है। अब ये तो सभी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो फाउंडर हैं, जो इन्वेंटर हैं बच्चों, वो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उनकी क्वेश्चन पूछा भी गया है दैट हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब WWW, तो फाउंडेड बाय और इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली। किसने फाउंड किया? टिम
Berners-Lee in the year of 1990. ठीक है, गुड दौलत, इतना याद रहेगा. हम लोगों ने पांच ईयर जो है याद कर लिए हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे 1992 बुकस्टेक्स अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया है. तो पहली बार ऑनलाइन जो चीज बिकी, सबसे पहली बार वो क्या थी, ऑनलाइन जो सेलिंग हुई है किसी चीज की, दैट इज अ बुक. क्या है, एक बुक है. और उसको स्टार्टिंग कब हुई वो बुक्स के मार्केट प्लेस की, सो ये स्टार्ट हुई है बच्चों 1992 में. ईयर क्या है, 1992 में बुक्स टैक्स अनलिमिटेड, ये नाम याद रखना है आपको. क्या, बुक्स टैक्स अनलिमिटेड ने बुक्स के लिए पहला जो मार्केट प्लेस था उसको स्टार्ट किया है. ईयर क्या है, 1992. गुड मॉर्निंग. ठीक है, सो आपसे अगर ये पूछा जाए पहली बार जो ऑनलाइन किसी भी चीज को बेचा गया या खरीदा गया वो क्या थी, तो वो एक बुक थी. और उस बुक के लिए जो मार्केट प्लेस स्टार्ट किया गया था दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1992 में जो है इसको स्टार्ट किया गया है. आई होप इतना क्लियर होगा. देन आफ्टर 1994 क्या हुआ, 1994 में नेट मार्केट से 10 समनर स्टील्स पहली सुरक्षित खरीदी बनी है. तो ये भी क्या है, बुक है एक. तो 10 समनर स्टील इसका नाम है एंड दैट बिकेम द फर्स्ट सिक्योर ऑनलाइन परचेज थ्रू द नेट मार्केट. ठीक है, तो नेट मार्केट मस्ट भी क्या होगी, एक ई कॉमर्स वेबसाइट रही होगी जहां से पहली एक सिक्योर परचेसिंग हुई है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया गया, इसमें ऑनलाइन परचेसिंग हुई है एक बुक की जिसका नाम क्या है, 10 समनर्स टेल्स. क्लियर है, सो ये हो गया पहली सुरक्षित खरीदी बनी है, कौन, 10 समनर्स टेल, जिसका भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया गया है बच्चों. ठीक, ईयर कौन सा चल रहा है, 1994 चल रहा है. आगे अगर हम आ जाए 1995 में ईबे और अमेजोन ये दोनों एस्टैब्लिश हुए हैं. ठीक है, हालांकि सारी वेबसाइट्स का आपको याद नहीं रखना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट बहुत सारी हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि एग्जाम में क्या आ सकता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि मैं भी आपको सारे फैक्ट्स बता पाऊँ और आप भी सारे के सारे फैक्ट्स जो है यहाँ पर याद कर पाऊँ. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. 1998 में पेपल को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में स्टार्ट किया गया है. अब आपने पेपल का नाम सभी ने सुना होगा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पेपल को कब स्टार्ट किया गया है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 1998. क्लियर है. चलो एक बार मैं आपको ये फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए. देखो सबसे पहले जो ऑनलाइन मीडियम एस्टैब्लिश किया गया बच्चों, दैट वाज 1969 में अर्पानेट. अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. देन आफ्टर आता है 1979 में माइकल एल्ड्रिज ने पहला ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया है. किसने, माइकल एल्ड्रिज ने. कब किया, 1979 में. क्या किया, पहला ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम. क्लियर, देन आफ्टर सेकेंड इज 1981 में थॉमस हॉलीडेज यूके बिकेम्स द फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम. कब, 1981 में. क्या, बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, कौन, थॉमस हॉलीडेज यूके. क्लियर, देन आफ्टर आता है 1984 GateSat is the first B2C online shopping system. B2C, पहला B2C कौन सा है, तो GateSat है. और पहला B2B कौन सा है, तो Thomas Holidays. Clear? आगे हमने क्या देखा, that Tim Berners-Lee ने पहला ब्राउजर कोड जिसको क्या बोला जाता है, World Wide Web, 1990. Then after in the year of 1992 books tax unlimited जो unlimited है उसने books का पहला marketplace start किया.
देन आफ्टर 1994 में नेट मार्केट से 10 समनर्स टेल पहली बुक बनी जिसको सिक्योर ऑनलाइन परचेस के थ्रू खरीदा गया और जो इसका हम कहें पेमेंट हुआ था दैट वाज बाय द क्रेडिट कार्ड. ओके एंड देन 1995 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईबे एंड अमेज़न होता है एंड 1998 में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पेपल को स्टार्ट किया जाता है. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? अब हम देखेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. कितने टाइप के होते हैं ई कॉमर्स? तो देयर आर, आप देख सकते हैं कितने तरीके के हैं. देखो सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B. देन द सेकेंड इज बिजनेस टू कंज्यूमर B2C. थर्ड इज C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर. देन आफ्टर फोर्थ कंज्यूमर टू बिजनेस. फिफ्थ गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B. फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G. गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C. पीयर टू पीयर P2P एंड देन एम कॉमर्स. ठीक है, अब हम इनको समझेंगे कि पूरा पूरा एक एक मैं आपको बताऊंगी. पहले आपको याद कर लेना है. ठीक है, दौलत, विशाल, अंशु, क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखेंगे, हम एक एक समझेंगे कि अलग अलग क्या है. सो पहला आता है बिजनेस टू बिजनेस. क्या मतलब हुआ बिजनेस टू बिजनेस का? सो कंपनीज से कंपनीज के बीच में जो बिजनेस होगा दैट इज B2B, है ना? दो या दो से ज्यादा कंपनियों के बीच में जो भी बिजनेस होगा वो क्या होगा? B2B हो जाएगा. यहाँ पर कंज्यूमर नहीं है, सिर्फ एक बेचने वाली कंपनी है और एक खरीदने वाली कंपनी है. सिर्फ कंपनीज या कंपनीज के बीच में दो हो सकती हैं, दो से ज्यादा हो सकती हैं, इनके बीच में जो भी बिजनेस होगा, जो भी ट्रेडिंग होगी वो क्या हो जाएगा? B2B हो जाएगा. समझ में आया? आप लोग साथ साथ में लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा याद रहेगा. B2B क्या है बच्चों? व्हेनेवर जो बिजनेस हो रहा है इट इज बिटवीन टू और मोर कंपनीज, इट विल बी द टाइप ऑफ B2B ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स. ठीक है, ठीक है दौलत, कोई बात नहीं. लाइव नहीं ले पाते तो आप ऑफलाइन भी देख सकते हो. चलो सेकेंड इज B2C. अब B2C आप जो भी B2C जो है ना ये सबसे ज्यादा प्रचलित है. ठीक है प्रकाश, आप टेंशन मत लीजिए, MCQs भी मैं कराऊंगी आपको. जितने भी MCQ किसी भी एक टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे के सारे MCQs हम कवर करेंगे, डोंट वरी. ओके चलिए देखते हैं कि जो बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है बिटवीन कंपनीज एंड द कंज्यूमर, मतलब कि जो आप लोग और हम लोग खरीदते हैं ना, क्या आप जाएंगे अमेजोन से कुछ हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से किया, मिंत्रा से किया, वही तो क्या है B2C. दीज आर कंपनीज और कंपनीज से हम क्या कर रहे हैं? परचेसिंग कर रहे हैं. बिजनेस हो रहा है बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर, वो क्या हो जाएगा? आपका बिजनेस टू कंपनीज. ठीक है, सो बिटवीन द कंपनीज एंड द कंज्यूमर ये क्या हो जाएगा? आपका B2C. बिजनेस बिटवीन कंपनी एंड द कंज्यूमर B2C. अब ये सबसे ज्यादा देखा जाए तो अब मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स है आज के टाइम की. कुछ भी आपको खरीदना होता है तो बस आपने खोली कोई भी वेबसाइट और आपने परचेस कर लिया. ठीक है, देन आफ्टर एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल है इसके अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे. ठीक है, क्लियर है इतना? चल नेक्स्ट आता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस अमंग द कंज्यूमर, वो क्या हो जाएगा? आपका C2C हो जाएगा. मैंने कोई चीज खरीदी है फिर मैंने, या फिर मेरे पास कोई चीज है तो मैं कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, आई एम अ कंज्यूमर, और मैंने किसी कंज्यूमर के साथ ही उसको उसका मतलब उसको बेच दिया है या मैंने किसी से कुछ खरीद लिया है, दैट विल बी द टाइप ऑफ C2C.
कंज्यूमर टू कंज्यूमर टाइप ऑफ ई कॉमर्स. इसके एग्जाम्पल ईबे ओएलएक्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मुझे अपना फ़ोन है, मुझे जो रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो मैं अपने फ़ोन का एक ऐड जो है ओएलएक्स पर डाल दूंगी. आप में से किसी को भी अगर लगता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उसको परचेस करेंगे. यही क्या हो जाएगा, सी टू सी हो जाएगा. क्लियर है? सो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जब भी सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है, जब भी सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स हो रहा है बिटवीन द कंज्यूमर, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बिटवीन दो कंज्यूमर के बीच में हुआ तो ये हो जाएगा सी टू सी टाइप. ठीक है, हाँ, शर्ट ऑनलाइन ही मिलेगी ना आजकल. और क्या, चलो सेकेंड आता है सी टू बी. अब भाई कंज्यूमर जो है ना वही बेचने लग गया है किसी कंपनी को, अब सी टू बी हो जाएगा. अभी हमने बी टू सी देखा था, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजन वाला जब कंपनी बेच रही थी, अब क्या हो जाएगा सी टू बी, कंज्यूमर ही क्या कर रहा है. देखिए a consumer sells his goods or services directly to a business, तो ये क्या हो जाएगा, consumer to business हो जाएगा. जब consumer ही क्या करने लगे, किसी company को अपनी services या फिर goods provide कराए, that will be C to B. ठीक है, so ये आपको समझना होगा, ये क्या हो जाएगा, C to B हो जाएगा. अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है G to B. जी टू बी क्या है बच्चों, जी टू बी में आप देखेंगे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू बिजनेस इंस्टीट्यूशन थ्रू इंटरनेट. जब भी गवर्नमेंट क्या करे, सरकार या फिर उसके जो प्रशासनिक संस्थान हैं, वो अपनी सेवाएं संस्थानों को इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड जब कराएंगी, ठीक है, जय हिंद उचित, जब भी वो अपनी सर्विसेज जो हैं बाय द मीन्स ऑफ इंटरनेट अगर प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट किसको, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, बिजनेस इंस्टीट्यूशन को, तो वो क्या होगा, दैट विल बी जी टू बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस. लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस को हटा दे बीच में से और डायरेक्टली सिटीजन से बात करे, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक अगर पहुंचाए, तो वो क्या हो जाएगा, जी टू सी. अब यहाँ पर सी जो है ना वो कंज्यूमर नहीं है, क्या है, सिटीजन है. तो गवर्नमेंट की आजकल अगर आप देखें तो आपका लाइसेंस भी ऑनलाइन बन जाता है, आपका बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी है. आप अपने नल के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बहुत कुछ, सब कुछ अब आपका ऑनलाइन हो सकता है. तो दीज आर दी सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट तो बेचती है नहीं, तो वो तो काम ही खत्म है, प्रोडक्ट वाली बाइंग और सेलिंग तो होगी नहीं. यहाँ पर सिर्फ बात होगी सर्विसेज की. और हमने देखा है सर्विसेज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स. जो भी सर्विसेज इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स. दैट मीन्स इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज बाय द मीन्स ऑफ इंटरनेट टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दैट विल बी द टाइप ऑफ जी टू सी ई कॉमर्स. क्लियर है, क्लियर है, इतना समझना होगा हमको. सो ये हो गया, ई मित्र सेवा है, उमंग है, बहुत सारे पोर्टल्स गवर्नमेंट ने जो है बनाए हैं. ठीक, सो ये अब मैंने आपको बता दिया है सारा. अब हम चलेंगे वेज ऑफ ई कॉमर्स, क्या क्या तरीके हो सकते हैं ई कॉमर्स के, वेज ऑफ ई कॉमर्स हम देखेंगे. सो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सभी हमको मिलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर. सो आपको ये भी पता होना चाहिए जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, वो किस ईयर में आया है बच्चों, इन द ईयर ऑफ 2000. क्या ईयर है, इन द ईयर ऑफ 2000. ठीक, सो देखो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि रिटेलिंग का मीनिंग क्या होता है. तो जो भी रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा कंज्यूमर से कांटेक्ट करते हैं. ठीक है, हम लोग जब भी किसी शॉप पर जाते हैं तो वही रिटेलिंग शॉप होती है. फिर होलसेल वाले होते हैं, तो होलसेल क्या करते हैं, वो होलसेल में जो जो भी आपके गुड्स हैं उनकी, उनको बेचते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो कंज्यूमर्स होंगे वो कौन होंगे, रिटेलर्स होंगे. इस चीज़ को समझना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. सबसे पहले आता है आपका क्या, रिटेलर्स. ठीक है, फिर आता है क्या, होलसेलर.
और इससे पहले भी होता है आपका कंज्यूमर या फिर कस्टमर। तो कस्टमर है हम लोग खरीदते हैं जिन शॉप से आप लोग सामान खरीदते हो, वो रिटेलिंग शॉप्स होती हैं, ठीक है। वो रिटेलर्स होते हैं, ये एक एक चीज जो बेच देते हैं। अब ये जो रिटेलर्स होते हैं ना बच्चों, ये सामान खरीदते हैं होलसेलर्स से। तो आप कह सकते हो कि होलसेलर्स के लिए जो कंज्यूमर्स होंगे वो कौन होंगे? रिटेलर्स ही तो होंगे, क्योंकि हम बहुत रेयर होता है कि नॉर्मल कंज्यूमर्स होलसेलर्स के पास सामान खरीदने जाए, हालांकि वो देते भी नहीं है, एक एक दो दो चीज़ों वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम तो होलसेल में ही देंगे। तो होलसेलर्स के लिए कंज्यूमर कौन होगा जल्दी बताओ? होलसेलर्स के लिए कंज्यूमर कौन होगा? रिटेलर्स होंगे, क्लियर है। फिर अगर हम देखिए ड्रॉप शॉपिंग, तो ड्रॉप शॉपिंग का मतलब जो भी आपके ऑनलाइन मीडियम्स कर रहे हैं ना आजकल, बनाता कोई है ना, उस उत्पाद को बेचने का काम कोई और करता है, बनाने का काम कोई और करता है, डिलीवरी कोई और करता है, मतलब अलग अलग लोग एक ही काम से एसोसिएट है। बनाया किसी और ने एक प्रोडक्ट, बेचा किसी भी, मान लो मिंत्रा ने बेचा और डिलीवरी किसी और ने की, हालांकि मिंत्रा खुद डिलीवरी कराता है, मैं कोई और मान लो, आजियो मान लो, तो एक्सप्रेस बीज हो गया है, किसी से भी वो अपनी डिलीवरी करा रहा है। सो इसमें अलग अलग लोग, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ड्रॉप शॉपिंग हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉप शॉपिंग क्या होगी? जब एक ही शॉपिंग में अलग अलग लोग इंक्लूडेड होंगे, दैट मीन्स कि समवन, कोई उसको मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, सेलिंग कोई और कर रहा है और डिलीवरी कोई और कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो मैंने आपको बता दिए हैं डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फोटो, वीडियो, ई बुक, ई मैगजीन, ये सारा कुछ। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे टूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई कॉमर्स। टूल क्या क्या हो सकते हैं? टू सेल देयर इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली टू देयर टारगेट ऑडियंस, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, उनके खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को जब बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स होते हैं, ऐसे मीडियम्स जो खुद अपने बने हुए प्रोडक्ट्स की सेलिंग करें, वो क्या हो जाएंगे? ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स हो जाएंगे, जैसे कि इंस्टा मोजो, ठीक है, आपने सुना होगा इंस्टा मोजो के बारे में। फिर आता है ड्रुपल कॉमर्स, बिग कॉमर्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? टाइप हो जाएंगे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के, हालांकि इनमें बहुत कुछ याद रखने वाला नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, अब मार्केट प्लेसेस तो क्या है, जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं, वही हो जाएंगे आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजियो, ठीक है ना, जो अभी हमने देखा। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करेंगे इन सारी वेबसाइट्स के बारे में कि कौन कौन सा जो आपका मार्केट प्लेस है वो कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हालांकि इनसे करंट के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि करंटली इस कंपनी के सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ईटीसी। तो आज के टाइम पे अगर आप देखें ऑल ओवर वर्ल्ड जो है सबसे बड़ा मार्केट प्लेस जो है वो कौन सा है बच्चों? अमेज़न है ना। तो अमेज़न इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। देन आफ्टर इसको फाउंड कब किया गया? 5th July 1994 को, 5 July 1994 वॉशिंगटन DC USA, क्लियर। हेडक्वार्टर जहाँ फाउंड किया है वहीं है, फाउंडर इनके जेफ बेजोस हैं जो कि सीईओ हुआ करते थे बट अब नहीं हैं, अब एंडी जेसी जो हैं अमेज़न के नए सीईओ बन गए हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया में अमेज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, तो इट इज सिचुएटेड एट बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु में, क्लियर। अमेज़न कब बना? फटाफट से आंसर करना, अमेज़न बना है 1994, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, CEO एंडी जेसी है, फाउंडर जेफ बेजोस हैं, और इंडिया में इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज एट बेंगलुरु, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज ईबे। ईबे क्या है बच्चों? तो ये भी एक मार्केट प्लेस है। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1995 में एस्टैब्लिश हुआ। फाउंडर कौन है इसकी? फाउंडर जो है वो है पियरी ओमडियार। कौन है? पियरी ओमडियार जो है इसके फाउंडर हैं, और इसका हेडक्वार्टर है सैन जोस कैलिफोर्निया USA में। कहाँ पर है? सैन जोस
कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है ईबे का। फिर आता है JD.com या फिर इसको 360 buy भी कहा जाता है। ये फाउंड हुआ है 1998 में। कब फाउंड हुआ बच्चों? 1998 में। फाउंडर जो है इसके वो कौन है? ल्यू कियांग डोंग। कौन है? ल्यू कियांग डोंग इज द फाउंडर एंड मुख्यालय बीजिंग चाइना। नाम से ही लग रहा है ना, 360 buy। फाउंडर है इसके ल्यू कियांग डोंग। मुख्यालय कहाँ है इसका? चाइना में। नेक्स्ट आता है अलीबाबा। अब इस वेबसाइट के बारे में सभी ने सुना होगा। सो इट वॉज फाउंडेड ऑन 4th of April 1999। व्हाट इज द ईयर, व्हाट इज द फाउंडिंग ईयर ऑफ द अलीबाबा? सो इट इज 4th April 1999 एंड फाउंडर इज जैकमा। ठीक है, अपने आप में बहुत ही पॉपुलर नेम है। सो फाउंडर जो है इसके वो जैकमा है एंड हेडक्वार्टर जो है इट इज एट होंगजू चीन। ठीक, सो ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर अगली इंपॉर्टेंट क्या है? अगली आती है आपकी रकुटेन। सो ये जापान की है, नाम भी आपको जापानीज ही लग रहा है। रकुटेन फाउंड हुआ है 1997। ओके, देन आफ्टर हिरोशी मिकितानी। क्या नाम है बच्चों? हिरोशी मिकितानी जो है वो क्या है इसके करंट मतलब इसके क्या है? फाउंडर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे B2W कंपेनिया डिजिटल। 2006 में फाउंड किया गया है इसको और ये है कहाँ? रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील। जेलेंडो ये है जर्मनी 2008 और ग्रुपॉन 2008 में ही कहाँ है ये? शिकागो। ठीक है, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। ठीक है, Fabmart.com which is later renamed as the India Plaza, it is the first e-commerce company of India. ये आपको याद रखना है, India की पहली e-commerce company जो है बच्चों it is Fabmart या फिर India Plaza जो कि 1990 में found की थी और के बैठेश्वरन इसके founder हैं। इसी वजह से के वैठेश्वरन को भारत में फादर ऑफ ई कॉमर्स कहा जाता है, ई कॉमर्स का जनक जो है कहा जाता है। अब हम फ्लिपकार्ट देख लें तो फ्लिपकार्ट इंडियन है बच्चों, सबसे बड़ी है भारत की ये मार्केट प्लेस। स्टैब्लिश हुई है 2007 में। फाउंडर हैं इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर एंड बेंगलुरु में इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। सीईओ जो है कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं और शेयर होल्डर वॉलमार्ट ने इसके 80.3% शेयर्स खरीद लिए हैं। ठीक है, और मिंत्रा जबांग फोनपे ई कार्ट ये सभी क्या हैं? इसकी सब्सिडरीज हैं। ठीक है, सब्सिडरीज से मे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी कंपनी जो है फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी है तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मिंत्रा। और मिंत्रा जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर ऑफ 2007। मिंत्रा कब एस्टैब्लिश हुआ बच्चों? 2007 में एस्टैब्लिश हुआ है। और मिंत्रा किसका सब्सिडरी है? तो अब भी जस्ट हमने ऊपर देखा फ्लिपकार्ट का। चलो, हेडक्वार्टर मिंत्रा का बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आता है ये भी 2009 गुरुग्राम हरियाणा। स्नैपडील इज इंपॉर्टेंट। 2010 में फाउंड हुआ है न्यू दिल्ली कुणाल बहल एंड रोहित बंसल। पेटीएम अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन देखा जाए अभी सबसे ज्यादा। खैर चलो, 2010 में ये फाउंड हुआ है। नोएडा यूपी जो है इसका हेडक्वार्टर है वहां पर विजय शेखर शर्मा। ठीक है, बहुत न्यूज में रहे विजय शेखर शर्मा, देखा होगा आपने, शेयर्स के बारे में पता ही होगा। सो विजय शेखर शर्मा जो है वो क्या है इसके फाउंडर है। और 2017 में पेटीएम ने ही पेटीएम मॉल एप्लीकेशन जो है बच्चों वो लॉन्च किया था।
क्लियर। देन आता है जबोंग। जबोंग 2012 गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। प्रवीण सिन्हा इसके फाउंडर हैं, हालांकि फ्लिपकार्ट ने इसको एक्वायर कर लिया है। ठीक, फिर आता है शॉपक्लूज 2011, इसका भी गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। बाकी ठीक है, चलो कुछ और फैक्ट्स अगर हम देखें इसके बारे में, फिर मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लगवा दूंगी। हालांकि क्वेश्चंस हम इसके कंप्लीट करेंगे कल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से बनेंगे कल मैं आपको पूरे करा दूंगी। देखो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसको GEM, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। देखो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM वर्जन 3.0 टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, द गवर्नमेंट लॉन्च द जैम पोर्टल इन 2006 टू मेक ऑनलाइन परचेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने जैम पोर्टल 2016 में लॉन्च किया है। ठीक है, इसका गोल क्या है? तो इसका गोल है जीरो करप्शन इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसमें करप्शन क्या हो जाए, एकदम जीरो हो जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए। एंड द जैम हैज बीन डेवलप्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सप्लाई एंड डिस्पोजल। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, ये डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देन आफ्टर authorized representative of central government, departments, state government, public sector undertaking, autonomous bodies can use this JAM portal, and the joint secretary and the officers of the same level have been authorized to use the services of the JAM. क्या बोला है, एक बार हम इसको हिंदी में देख लेंगे। देखो, जो जैम है ये शुरू किया है गवर्नमेंट ने, क्यों? सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार करप्शन एकदम कम हो जाए। ठीक है, और वाणिज्य मंत्रालय कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आने वाला एक डिपार्टमेंट है, महानिदेशालय आपूर्ति एवं निपटान, और उसी ने इसको विकसित किया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। और केंद्र सरकार के विभाग, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, ये सभी क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जैम की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए संयुक्त सचिव और समान स्तर के अधिकारियों को भी अधिकृत किया गया है। क्लियर। अब और क्या देखें, सो ऑन 4 May 2020 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज लॉन्च द स्टार द सारस कलेक्शन। क्या लॉन्च किया है? सारस कलेक्शन ऑन द जैम पोर्टल, मतलब जैम जो प्लेटफॉर्म है वहां पर। प्रोजेक्ट जीरो, प्रोजेक्ट जीरो किस से रिलेटेड है बच्चों? तो ये रिलेटेड है Amazon से, और ये भी किस लिए है कि जो भी गुड्स और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो क्या हो, एकदम ऑथेंटिक हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे हम देखें जो कंज्यूमर्स हैं उनमें कोई भी ये आए कि भाई ये जो कंपनी है ये अच्छा सामान नहीं देती, ETC टाइप्स। ई कॉमर्स, ड्राफ्ट ऑफ ई कॉमर्स पॉलिसी आया है इंडिया में 2019 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और ई कॉमर्स व्यापार में धोखाधड़ी को रोकने, अनुचित व्यापार और प्रयासों की रोकथाम करने, और उपभोक्ताओं के बीच वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए इन दिशा निर्देशों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में जारी किया गया है। ठीक है, जो कि क्या है, आपके ई कॉमर्स जो पॉलिसी है ना, ड्राफ्ट जो है उसमें ये सारी चीजें डाली गई हैं। ठीक, अब देखो इफेक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज हो, चाहे कितना भी अच्छा आप कुछ भी लेकर के आए, उसके सभी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे। पॉजिटिव तो हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बट नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। Let's see. Positive क्या है? Global reach होगा आपका, ठीक है? Positive क्या है? Global reach. Then after cheap rate मिल जाता है, क्योंकि बीच का इतना सारा कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट जहाँ जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो डायरेक्ट बेच रहा है, तो बीच में जिन लोगों के पास सामान आता है वो उसकी कॉस्टिंग वो कम हो जाती है, तो चीप रेट्स पर आपको सामान मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या,
इजी शॉपिंग हो जाती है, जो भी खरीदना है आपको बस आपको एक एप्लीकेशन कोई भी आजियो मिंत्रा जो भी आपको खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, आप उसको ओपन करके डायरेक्ट शॉप कर सकते हैं, है ना। इसके बाद अवेलेबिलिटी, कभी भी जब ही आप चाहें शॉप तक कर सकते हैं, कभी भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। एंड बेटर एंड मोर ऑप्शंस, अच्छे और बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं आपको, कलर वैरायटी मिल जाएगी, ऑलिव ग्रीन ब्लू येलो सारी वैरायटीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ओके, देन आफ्टर नेगेटिव्स क्या है इसके वो देखिए। सबसे पहली बार नो टच और सीइंग, भाई होता है ना कई बार आपने कोई भी मान लीजिए कोई कपड़ा मंगाया, कोई शर्ट आपने मंगाई ऑलिव ग्रीन कलर की थी, उसमें इमेज में तो आपको ऑलिव दिख रहा था बट जब आई तो वो पिंक थी, है ना। तो क्योंकि आप उसको आप एक्चुअल में नहीं देख सकते, उसको टच नहीं कर सकते इसका कपड़ा ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक नॉलेज की वो होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए आपको। होता है ना आज भी लोग इन सब वेबसाइट्स को यूज करना नहीं जानते, कुछ का कुछ हो जाए, भाई एक चीज मंगाई थी 10 चीजें आ जाए, अब आ गई हैं तो बिल पे करना पड़ेगा, सो ये सारा कुछ। देन आफ्टर वेट फॉर डिलीवरी, एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर, कि अगर आपने कुछ भी ऑनलाइन शॉप किया है और जब तक आप उसको चेक करते रहेंगे, हाँ आज कहाँ पहुंचा, आज यहाँ पहुंचा, आज यहाँ पहुंचा, आज यहाँ पहुंचा, तो डिलीवरी टाइम कई बार बहुत लंबा हो जाता है ना। इसके बाद इनसिक्योरिटी ऑफ द फाइनेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, होता क्या है कि हम कई बार क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिलते हैं जो आपका नंबर सेव कर लेते हैं, तो कई बार ये एक थ्रेट पैदा करता है, इनसिक्योरिटी पैदा करता है कि आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कहीं कोई भी छेड़छाड़ ना हो जाए। तो दीज आर दी नेगेटिव्स। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, सो क्वेश्चंस क्या क्या हैं आपको बताने हैं फटाफट से, हालांकि कल भी मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी सारे के सारे। देखो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के लिए सबसे पहली बार कोई मीडियम किसने एस्टैब्लिश किया था, टिम बर्नर्स-ली, माइकल एल्ड्रिज, जेफ बेजोस या फिर जैक मा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। सो करेक्ट आंसर इज माइकल एल्ड्रिज, ऑलरेडी देख चुके थे ना हम, एक बार पहले हम रिवीजन कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। क्योंकि इन फैक्ट से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले अर्पानेट की शुरुआत की गई है बच्चों, कब की गई अर्पानेट की शुरुआत, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969 में, 1969 में। फिर यही आपका क्वेश्चन था ना, 1979 में सबसे पहले माइकल एल्ड्रिज ने इन्वेंट किया है अ मीडियम, कैसा मीडियम, एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम या फिर मीडियम, ईयर भी याद रखना है 1979। फिर 1981 में किया हुआ बच्चों, तो थॉमस हॉलीडेज जो कि यूके का पहला B2B बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू हुआ। 1984 में गेट्स एड पहला B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बना, ठीक है ना। ये चारों 1969 में अर्पानेट, 1979 में माइकल एल्ड्रिज पहला ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, 1981 में थॉमसन हॉलीडेज यूके B2B पहला बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, देन आफ्टर 1984 क्या गेट्स एड पहला B2C ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, क्लियर। फिर है 1990, टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउजर कोड www वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट किया, शुरू किया। फिर 1992 में बुक्स सेक्स ने अपनी किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली चीज जो कि ऑनलाइन खरीदी या फिर बेची गई वो एक बुक थी, क्या नाम है भैया, 10 समनर्स टेल, कब, 1994, और उसके लिए जो पेमेंट किया गया दैट वाज बाय द क्रेडिट कार्ड, ओके। इसके अलावा 1995 में ईबे, देन आफ्टर 1998 में पेपल जो कि पहला ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बना, क्लियर है।
ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है सभी को। सो आगे हम डिस्कस करेंगे कल, जो थ्योरी है इस टॉपिक की मैंने आपको पूरी बता दी है, क्वेश्चन हम लोग कल लगाएंगे। जितने भी टॉपिक इस क्वेश्चन से हैं, क्वेश्चन कल लगाने से होगा ये कि आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपका जो टॉपिक है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि आज अगर मैं क्वेश्चंस लगवा दूंगी सर क्वेश्चन क्वेश्चन रह जाएंगे, कल हम क्वेश्चंस लगा लेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में हम डिस्कशन करते जाएंगे तो आपका सारा का सारा टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सो आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, बता दें उनको कि हम लोगों ने ये नई सीरीज स्टार्ट की है। डेली सुबह 9 बजे आपकी, मतलब 9:15 से क्लास रहेगी बेसिकली आपकी, जिसमें हम यूनिट 9 पूरा का पूरा थ्योरी और सारे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ और आने वाले जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है उनके साथ इसको कवर करने वाले हैं। सो मिलेंगे कल 9:15 पर, तो सभी लोग टाइम पर आ जाइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय हिंद।